हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपको पता है कि हम सभी लोग बीटीएस के येट टू कम परफॉर्मेंस को फिर से देखने वाले हैं लाइव, एंड ये परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड होगा। सो यहाँ पे काफी आर्मीज का क्वेश्चन है कि क्या ये परफॉर्मेंस इंडिया में भी होगा। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये 1 फरवरी 2023 को होने वाला है। तो आप में से काफी क्यूटिपाइज ने मुझे क्वेश्चन किया है कि दी वाओ बीटीएस इंडिया आने वाले हैं, एंड प्लीज हमें ये बताओ कि जिन भी उस परफॉर्मेंस में होंगे या नहीं। तो या मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको पता ही होगा कि जिन 18th मंथ के लिए गए हैं अपने मिलिट्री सर्विस के लिए, जिसके बाद जितने भी फैंस थे, जितने भी आर्मीज है, वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गए। सैड हो भी क्यों ना, बिकॉज वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन है ही इतने ज्यादा स्पेशल। लेकिन जो बिग हिट कंपनी है उन्हें भी पता है कि आर्मीज बहुत ही ज्यादा सैड है, तो वो भी कुछ ना कुछ न्यू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आर्मीज के फेस पे स्माइल ला सके। सो यस, ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि हम बीटीएस के येट टू कम को 1 फरवरी 2023 को देख पाएंगे अगले साल। ओके, 1 फरवरी को। तो ये कैसे देख पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड वाइड होगा। एंड ये ना जो बुशान कॉन्सर्ट हो चुका है उसी को सिनेमाज में दिखाया जाएगा। एंड ये जो मूवी है इसे सभी सिनेमाज में दिखाया जाएगा, इसे बहुत क्लोज से दिखाया जाएगा। जो चीज हमने मिस कर दिया, हम नहीं देख पाए, वो अब हम देख पाएंगे। अभी आप में से काफी क्यूटिपाइज का क्वेश्चन होगा कि जो टिकट है कब परचेज कर सकते हैं। जो टिकट है वो जनवरी 11 को सेल होगा 2023 को, और 9 AM 9 बजे मॉर्निंग के टाइम में, केस्ट के टाइम में, साउथ कोरियन टाइम पे ये टिकट सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यस, यहाँ पे जो बुशान कॉन्सर्ट हुआ है इसको ही सिनेमैटिक वे में आर्मीज के बीच प्रेजेंट किया जाएगा, रिकट किया जाएगा, री एडिटिंग किया जाएगा, और बहुत ही यूनिक वे में प्रेजेंट किया जाएगा, जो देखने के बाद सभी आर्मीज को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यस, तो हमें एक न्यू क्लोजअप एंगल देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो आप में से काफी क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन था कि क्या ये इंडिया में भी होने वाला है। सो गाइस, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इस लिस्ट में इंडिया पक्का ही शामिल होगा, लेकिन अभी तक ये रिवील नहीं किया गया है कि कौन कौन से देश में इसे करवाया जाएगा। आई होप कि इसमें इंडिया भी हो। आई एम सो एक्साइटेड, एंड आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो। सो आप में से काफी क्यूरियोसिटी जिनका क्वेश्चन था कि दी क्या जिन वापस आने वाले हैं, जिन भी इस कॉन्सर्ट में आएंगे, तो नहीं, ये बुशान का ही कॉन्सर्ट है जो कि हम न्यू वे में देखने वाले हैं। एक न्यू एंगल से हम इस कॉन्सर्ट को देखने वाले हैं, एक सिनेमेटिक वे से। ओके, तो या जिन 18 मंथ के बाद ही वापस आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड आपने देखा ही होगा कि जे होप को लुई विक्टॉन का एक गिफ्ट आया है। जे होप कितने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पे उस लुई विक्टॉन के गिफ्ट को ओपन करते हुए बहुत ही एक्साइटेड वे में बोलता है कि वाओ। आपने देखा ही होगा, आप मुझे कमेंट में बताओ कि जब आपने जे होप की पोस्ट देखा था तो आपका रिएक्शन कैसा था। थैंक यू, बाय।